शालीमार साहब लगातार निरंतर बढ़िया सेवावान जा रही है विशेष पंजाब तक, वो भी इतने पहुंचे थी शालीमार साहब प्यार जी। इस तो पहले शालीमार साहब से और बाकी है उन सभी का बैठने की व्यवस्था करें, जो खड़े हैं सभी को बैठने की व्यवस्था करें। मनिंदर सिंह जी, परविंदर सिंह जी, ये सारे साढ़े वीर जिहड़े आए ने, इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करते सब का निघा स्वागत है। मजदूर और किसान भरावों का जोरदार ताड़ियों में शांत देकर लहरों को शांत देकर यह मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी एक सद्बुद्धि देने जा रहा हूं, आपने बहुत हमारी सेवा की, बहुत काम किया। हिंदुस्तान तो सारे स्टेटा चो कश्मीर को लेके कन्याकुमारी तक जिहड़े अज मिशन पंजाब का समर्थन कर आए ने, मिशन पंजाब नहीं सको ये मिशन भारत के विच करन दी तैयारी कर रहे ने। बाबा जी एक मिनट फोटो करा लो, साडी भैण जी बैठे ने जिहड़े मेरी भैन है दलित समाज तो, जिन्होंने दलित समाज को उच्चा चकन वास्ते बहुत कुछ किया है। गलता अनिया जी बैठी है साढ़े नाल, ये भी दलित समाज को ने जिड़े साड़ी राष्ट्रीय उप प्रधान है रेशम सिंह इतने बैठे हैं, ये भी दलित समाज को ने जिड़े अपना टाइम कट के मिशन पंजाब को अगे वधाउण वास्ते इत्थे शामिल होए। असीं धन्नवादी हाँ सारे व्यापारी भरावां दे, साडी भैणां दे जिहड़े कश्मीर तों लै के कन्याकुमारी तक सारे व्यापारी इकट्ठे हो के इस देश का दर्द वंडाउण वास्ते, इस देश नूं बचाउण वास्ते जिहड़ा दुबारे कारपोरेट का गुलाम होण जा रहा है, जिहड़ा चंद घराने पूरे देश ते कब्जा करन जा रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੌਜ ਕੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਣੀ ਅਡਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ,
ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬਸ ਸਤਾ ਚੱਲੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस करके असी मिशन पंजाब का एक प्रस्ताव देते
रखे है, एक पछताव पंजाब के अगे रखे है कि असं धरना भी हाँ सारे व्यापारियों के पूरे देश के व्यापारियों ने जिन्होंने सब तो पहला आयोजन चुके हैं कि ठीक है पिछले पंजाब के आप सब तो पहला गुरनाम जी मैं आपसे एक प्रार्थना करूँ पूरा इंडिया आपके साथ है तो 5 मिनट से उनका हिंदी में आशीर्वाद दी मैं वैसे हिंदी बोलूंगा लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं तो दूसरे शब्द में रहूँ सॉरी मैं भूल गया जो मिशन पंजाब का जो काम है हमारे लिए तो दौर बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन जो हमारी परंपरागत पार्टियां हैं वो देश को प्रभाव करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे नीतिकारों का है हमारे मजदूरों ने काम किया हमारे किसानों ने काम किया हमारे व्यापारियों ने काम किया हमारे किसानों ने काम किया हम सब ने काम किया लेकिन फिर भी देश प्रभाव हुआ तो इसलिए हुआ कि हमारे नीतिकारों ने हमारी नीतियाँ ठीक नहीं बनाई और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए देखिए जहाँ तक सस्पेंड का सवाल है वो तो बहुत पहले किया गया था अब नहीं किया गया है और एक हफ्ते के लिए किया गया था वो उसकी जो है दोबारा से बहाली हो गई लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया अब आप एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी जो तैयार की है उसके बारे में कहेंगे देखिए अभी अभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार तो नहीं की है लेकिन उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं कि 8.5 महीने में 600 किसान हम शहीद हो गए हैं धरने पे बैठे हैं इसके बावजूद भी इतने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है
तो हमारे पास और चारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मान लिया हम ये आंदोलन जीत भी जाएं, वैसे तो 8.5 महीने में सुनी नहीं, पर मान लिया हम जीत भी जाएं तो 5 जून 2020 से पहले वाली स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो क्या 5 जून 2020 से पहले क्या किसान को कोई समस्या नहीं थी? उस वक्त भी पंजाब में 3-4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, पूरे देश में हर 32 मिनट में एक आत्महत्या तब भी हो रही थी, वो अब भी हो रही है। 3 कानून तो अभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुए, अभी हमारी हालत कौन सी अच्छी है? तो ये हमारे डेथ वारंट है, बस इतना हो जाएगा कि डेथ वारंट वापस हो जाएंगे अगर जीत भी गए तो। इसलिए हम ये पौधा लगा रहे हैं और फल भी एक दिन जरूर लगेगा। और अगर हम कहीं मंजिल पे चलें और 2 किलोमीटर चल के हमारे साइकिल में पंचर हो जाए तो हम पंचर लगा के दोबारा फिर चलेंगे, अब दोबारा फिर या वहीं वापस बैठ जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा है कहता कि इलेक्शन लड़ने वाले मोर्चा खराब हो जाएगा, राजनीति जी लोग कह रहे हैं कि राजनीति जाना चाहते हैं, छवि खराब करना चाहते हैं आंदोलन की, पर आंदोलन खराब हो जाएगा। बिल्कुल, आंदोलन पहले से ज्यादा चलेगा, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ये कह के हटा हूँ कि मिशन पंजाब तब कामयाब होगा जब देश के व्यापारी भी, देश के मजदूर भी, देश के किसान भी, पंजाब के, वो सारे आंदोलन में जाएंगे और सारे जाने के लिए तैयार हैं। आंदोलन पार्टी यही कह रही है कि शुरू से यही कह रही है कि राजनीति जाना चाहते हैं किसान, आंदोलन और बढ़ेगा। हाँ, तो राजनीति उनके नाम लिखवा दी क्या? कोई भी आके राजनीति में आके ये बोलता है कि नहीं नहीं किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये तो इसीलिए आंदोलन कर रहे, तो फिर वो कर लेना आंदोलन। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि किसान तो उनके साथ है, नवजोत सिद्धू कह रहे हैं किसान तो उनके साथ है। अच्छा है, उनके साथ भी होंगे। हाँ। मैं हम कौन सा ये कह रहे हैं कि सारे देश के हमारे साथ आ गए, उनके साथ भी होंगे, जो उनके मित्र होंगे उनको ठीक लगता होगा उनके साथ भी चले गए होंगे। ये तो आज बीजेपी में भी है, किसान किसके साथ चुनाव जब टीवी पे आप देखोगे मालूम चलेगा। यूपी में हमारी जो संगठनात्मक या जो आंदोलन की आज तक हो रही है वो पंजाब से कम रहा है आंदोलन का जोर, इसलिए यूपी में बीजेपी को हराने का काम करेंगे, वहाँ पे जब चुनाव आएगा तो वहाँ पे बीजेपी को हराने का काम करेंगे और यहाँ पे इन राजनीतिक पार्टियों से राज छीनने का काम। पार्टी का जो आपने नाम लिखा बाप पार्टी लिखा है, इनको समझा दूं, जो बोर्ड लगा है वो व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों ने हमें समर्थन देने के लिए, व्यापारियों ने मिशन पंजाब का सहयोग करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया, समर्थन दिया कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो पूरे देश का व्यापारी आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के व्यापारी साथ हैं और हम इनके धन्यवादी हैं। गठबंधन की कोई भी वो तो बाद की बातें हैं, जो भी होगा अभी तो उसकी शुरुआत है, अभी तो पहला कदम है जो पूरे देश के व्यापारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इकट्ठे होके जो ये कह रहे हैं कि आपकी सोच बिल्कुल सही है, हम उस सोच के साथ में। समा थोड़ा बहुत 2022 का स्पष्ट कर दो कि मिशन 2022 जरा की हैगा चुनी साहब का मिशन 2022 ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां आज तक देश को लूटने की या मौजूदा नीतियां बनाने की दोषी रही हैं उन पार्टियों से राज छीन के नया चेहरे सामने लाएं, ईमानदार संघर्षी लोगों को राजनीति में लाएं और जब ईमानदार और संघर्षी लोग राजनीति में आएंगे और फिर कुछ नया करके दिखाने का प्लान है, जैसे कुछ नया बदल के दिखाने का, जैसे राजनीति पहली चल रही है हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह लूटपाट, अब ये व्यापारी हैं इनके व्यापारी नहीं करने देते, 10 तरह के महकमे आते हैं कागज उठा के, तो उन चीज़ों से सारियों से छुटकारा दिला के दिखा दें। गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं मिलती उसको रोटी मिले, जो इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज हो, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई हो, ये सब चीज़ें अगर हम करके इलेक्शन लड़ेगा 117 पे देखिए 117 पे ही लड़ेंगे। देखिए अभी शुरुआत, मैं बता रहा हूँ अभी शुरुआत है, जब सीटें 117 हैं
तो चुनाव तो 117 का ही होगा ना। लेकिन सरदार सर इतने किसान शहीद हो गए, तुसी आज पहला दिन स्टार्ट किया, दो मिनट का मौन भी नहीं किसानों वास्ते रखे सर। देखिए ये तो हमें तो इन्होंने नया समर्थन देने के लिए बुलाया है, और हर जगह पे ये कोई जरूरी भी नहीं होता, हम वहाँ जो प्रोग्राम करते हैं किसानों के वहाँ वहाँ पे दो मिनट का मौन रख के फिर शुरू करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रगान करके शुरू। बाबा जी तुसी स्पष्ट कर दो जी समर्थन दिता वा 19 साल नु किस तरह का समर्थन है। देखो इस तरह है, आज पूरे देश का व्यापारी परेशान है, 1947 तो लैके आज तक व्यापारियों साडा बंदा मान सम्मान नहीं मिलिया, सानू चोर कहा गया, सानू बेईमान कहा गया, सानू इन्ना जलील व्यापारिया जाया सिर्फ लुधियाने का नहीं, देश दी 29 स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज तो सारे व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद है। आज ये भारत का पहला इतिहास है जो लुधियाना में, जो पंजाब में, ये पूरा हिंदुस्तान एक व्यापारियों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है, सारा व्यापारी परेशान है। इसलिए हमने मन बनाया है भी हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनी साहब उसकी अगुवाई करेंगे, चुनी साहब की अगुवाई में, और केवल पंजाब से होते हुए, केवल पंजाब में ही नहीं, हर यूपी, हिमाचल, राजस्थान और 2024 हमारा व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अगुवाई में हमारा लक्ष्य होगा लोकसभा। लोकसभा में खुद आकर हम अपने बिल ठीक कराएंगे, हमारे व्यापारियों की जो गलत पॉलिसीज हैं उन्हें ठीक कराएंगे, और सबसे पहले हम किसानों के बिल ठीक करेंगे, उसके बाद व्यापारियों के लिए टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। 1947 से आज तक कभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं आया, हम टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी को खत्म कर एक टैक्स लेके आएंगे जिसे कहा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। आज आपको क्या लगा, आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, आज केवल लुधियाने के तो मेरे ही हैं, आज हिंदुस्तान के व्यापारी मेरे साथ हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या संशय है, 29 स्टेट्स के मेरे व्यापारी भाई मेरे पीछे खड़े हैं, जिसकी मर्जी इंटरव्यू ले लीजिए आप। वो क्यों आया यहाँ पर, वो केवल तरुण जैन बाबा के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से सरदार गुरनाम सिंह चुनी जी को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हर जगह पर करेंगे, हर जगह पर हमारा व्यापारी, 8 करोड़ हमारा जीएसटी रजिस्टर हमारा दुकानदार है, 40 करोड़ हमारे मजदूर भाई हैं, देश के कोने कोने में दुकानें हैं जहां पर हम लोगों का माल बिकता है, तमाम वो व्यापारी हर स्टेट में जहां जहां पर इलेक्शन होंगे, मजदूर किसान और व्यापारी वहां पर मिलकर उस स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाएगा।